मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत बने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत बने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 20 करोड़ रुपए लागत के अलग अलग निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। फिर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही छिंदवाड़ा तहसील के 13,183 किसानों को 31,62,00,000 रुपए के ऋण माफी प्रमाण पत्र और किसान सम्मान पत्र वितरित किए। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण के लिए जिले के तामिया की कुमारी भावना डेहरिया को 27,50,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि आज का दिन छिंदवाड़ा वासियों के लिए इतिहास बन गया है। छिंदवाड़ा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज का होना आवश्यक था। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाना मेरा भी सपना था, जो कि आज सच हो गया है। छिंदवाड़ा का यह मेडिकल कॉलेज संभाग नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश के टॉप अस्पतालों में से एक होगा। हाईटेक मशीनों से युक्त इस अस्पताल में नागपुर, जबलपुर, भोपाल जैसे बड़े नगरों की अपेक्षा और अधिक सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी। अब यहां के लोगों को उपचार के लिए कहीं बाहर शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि नागपुर, जबलपुर जैसे शहरों के लोग अपना उपचार करवाने के लिए छिंदवाड़ा आएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 4,80,00,000 की लागत वाली इंटरसिटी बसों का शुभारंभ किया गया और साथ ही 220 करोड़ की लागत से निर्मित 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज एवं 650 बिस्तर वाले अस्पताल का लोकार्पण सहित अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, नगर निगम महापौर कांता सदारंग, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित कई अधिकारी व पत्रकारगण मौजूद थे। जहां हमारे छिंदवाड़ा के लोगों को नागपुर और भोपाल या जबलपुर नहीं जाना पड़ा। मेडिकल कॉलेज का जो शुभारंभ हुआ, साथ साथ जो हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका भी नवीनीकरण हुआ, ये आप सबके सामने है। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी, आपको याद है 2014 की मार्च में केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, उन्होंने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी थी और इसकी राशि दी थी। वो तो अलग बात है कि कुछ दिन पहले शिवराज सिंह जी आए और शिलान्यास कर गए, बहुत शौक था उन्हें घोषणाओं का और शिलान्यास का, तो उन्होंने तो शिलान्यास कर दिया। पर ये केंद्र की जो योजना थी, मुझे आज इस बात की खुशी है कि केवल हमारे पुराने हॉस्पिटल का ही नहीं नवीनीकरण, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये भी इसका नवीनीकरण हुआ है। छिंदवाड़ा से दुर्गेश नरोटे की रिपोर्ट।